मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच रविवार को खेले गए आईपीएल 2019 के फाइनल में भले ही मुंबई ने एक रन से चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता हो, लेकिन जीत के मुहाने पर पहुंचाकर 80 रन पर रनआउट हो जाने वाले शेन वॉटसन की दिलेरी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जी हाँ, शेन वॉटसन के घुटने से खून निकल रहा था, लेकिन वे मैदान पर जमे रहे। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई और बाद में उनके घुटने में 6 टाके भी लगे। चेन्नई को जब आखिरी ओवर में जीत के लिए 3 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे, तब शेन वॉटसन दूसरा रन लेने के प्रयास में रनआउट हो गए। पूरा स्टेडियम सन रह गया। किसी को इसका इल्म नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया का ये धाकड़ बल्लेबाज घुटने से रिस रहे खून की परवाह किए बगैर टीम को जीत दिलाने की कोशिश करता रहा। जब वे मैदान से बाहर आए तब उनका ट्राउजर का बहुत सारा हिस्सा खून से लाल हो चुका था। आईपीएल की साइट पर मौजूद तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि वॉटसन के लेफ्ट पैर के घुटने से काफी खून बह रहा है। उनकी चोट का खुलासा हरभजन सिंह ने किया। वॉटसन के घुटने के हिस्से में 6 टाके लगे। उनके इस जज्बे को देख सभी क्रिकेट प्रेमी कायल हो गए और उनकी दिलेरी ने सबका दिल जीत लिया। मैच की अंतिम गेंद पर चेन्नई जीत से 2 रन दूर था, तभी मलिंगा ने शार्दुल ठाकुर को आउट करके मुंबई को 1 रन से आईपीएल के 12वें सीजन का चैंपियन बना डाला। मैच भले ही मुंबई ने जीता, लेकिन शेन वॉटसन ने सबके दिल पर राज किया। वॉटसन ने 59 गेंदों पर 8 चौकों और 4 छक्के की मदद से 80 रन की यादगार पारी खेली। चेन्नई की केवल 82 रन पर 4 विकेट गिर गई थी। जहां एक तरफ विकेट गिरते जा रही थी, वहीं वॉटसन टिके हुए थे। वॉटसन ने फाइनल मैच के 16वें और 18वें ओवर में 20-20 रन लेकर चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदों को जिंदा रखा था। मैच के आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे और शेन वॉटसन दूसरा रन लेने के प्रयास में रनआउट हो गए। असल में घुटने पर लगी चोट के कारण वे रन पूरा नहीं कर सके और सही मायने में यहीं से पासा पलट गया। वरना जिस तरह से वॉटसन बैटिंग कर रहे थे, वे चेन्नई सुपर किंग्स को आसानी से मैच जिता देते।